ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, और जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। That means कि इन न्यूरॉन से मिलके ही पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। अब ये न्यूरॉन या नर्व सेल्स क्या होती हैं? ठीक है, तो ये न्यूरॉन और नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस प्रकार का होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो है एक स्ट्रक्चर जो है होता है न्यूरॉन्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स रहते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और इसे कंपेयर किया है एक डिनर फोक से। ठीक है, तो एक फोक जिस प्रकार होती है उस प्रकार ही एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो फोक का हैंडल है उसे हम एक्सॉन कह सकते हैं, उसी प्रकार नर्व में भी एक्सॉन रहता है, न्यूरॉन्स में भी, सॉरी नर्व्स में नहीं, न्यूरॉन्स में एक्सॉन रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो इसके स्पाइक्स होते हैं इसे हम डेंड्राइट्स से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका सेंटर पार्ट होता है बल्बस पार्ट उसे हम सेल बॉडी या सोमा से कंपेयर कर सकते हैं, एंड दिस इज द सेल बॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार एक न्यूरॉन जो है फोक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कि तीन पार्ट होते हैं, और वो होते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम न्यूरॉन्स की सेल बॉडी देखें तो वो क्या होता है? तो सेल बॉडी जो है वो ये स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, और इसे सेल बॉडी कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, तो एक जनरल सेल में जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो इसमें रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है, तो ये इस पार्ट में रहते हैं और इस पार्ट को सेल बॉडी कहा जाता है। एंड व्हाट इट कंटेन, इट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे मैं शो करती हूं आपको। ये जो है, दिस इज द न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है नर्व सेल के, और इस पार्ट को सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस लिए जरूरी है, अब हम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, तो रेस्पिरेशन कहां पर होती है, सेकंड प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेल, ठीक है, जो कि मॉडिफाई हो चुकी है और फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक प्रकार की सेल होती है, मॉडिफाइड सेल होती हैं, और इसमें जो है इस प्रकार से मॉडिफिकेशन आ जाते हैं सो दैट ये नर्व इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके। नर्व इम्पल्स क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होती है और वो उसकी क्या जरूरत है। तो एक्चुअली नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो है कंडक्ट करता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, और इसी प्रकार ये सभी नर्व इम्पल्सेस जो है न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और इस प्रकार जो है स्टिमुलाई से जो इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है इन न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्सेस पहुंचाते हैं इफेक्टर्स मसल्स को थ्रू दीज न्यूरॉन्स ओनली। तो इस प्रकार ये न्यूरॉन्स जो है एक प्रकार की फंक्शनल यूनिट है और इन्हीं के द्वारा जो इम्पल्सेस का आवागमन है वो हो पा रहा है, इम्पल्सेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो हो पा रहा है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में सेल बॉडी जिसमें कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स रहते हैं इसमें, और इस प्रकार जो सेल बॉडी है वो दो फंक्शंस करती है। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या एटीपीस, एंड दूसरा प्रोडक्शन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जो कि इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो एक्चुअल जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स में वो नर्व इम्पल्सेस में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाती है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नर्व इम्पल्सेस में वो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स निभाते हैं। सेल बॉडी का मेन फंक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये दो फंक्शन जो है वो सेल बॉडी करती है। दूसरा पार्ट जो हम देखते हैं वो है डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये स्मॉल ब्रांचेस, ट्री लाइक ब्रांचेस, ट्री लाइक स्मॉल ब्रांचेस, जैसे कि एक ट्री में जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार स्टेम्स से जो ब्रांचेस निकलती हैं, इसी प्रकार सेल बॉडी से जो है स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं और उन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स जो है नर्व इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्ट करती हैं।